पीटीआई ने सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। पीटीआई का जलसा वीआईपी ग्राउंड में होगा। ऐसे हथकंडे संभाल किए गए तो लॉकडाउन हड़ताल करना पड़ेगी। इस बोहरान से निकलने का रास्ता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाए। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए तो लॉकडाउन और हड़ताल करना पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में जलसागाह का मकाम तब्दील कर दिया है। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पीटीआई का जलसा वीआईपी ग्राउंड में होगा। उन्होंने कहा कि सियालकोट में हमारे लोग पुरअमन तौर पर मौजूद थे। हम अपने लीडरान पर तशद्दुद की पुरजोर मुसम्मत करते हैं। नाअहिल हुकूमत को कहते हैं हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के कहने पर तशद्दुद किया गया जिसकी हम पुरजोर मुसम्मत करते हैं। हम अभी जमहूरी तरीके से अपना आईनी हक इस्तेमाल कर सकते हैं। शफकत महमूद ने कहा कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए तो लॉकडाउन हड़ताल करना पड़ेगी। ग्राउंड पर जलसे का मुआयदा हुआ, कोई रुकावट ना थी। रात के 3 बजे कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वक्त मुल्क में शदीद बोहरान है। मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। इस बोहरान से निकलने का रास्ता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाएं।